उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु हैदराबाद यानी पूरब और पश्चिम को जोड़ने वाली साइबर सिटी मध्ययुग की स्थापत्य कला का अद्भुत सौंदर्य लिए खड़ा है पुराना हैदराबाद चार मीनार मक्का मस्जिद सुल्तान बाजार निजाम प्लेस सालार जंग संग्रहालय सब अपने अपने युग के सांस्कृतिक विकास के प्रमाण हैं। दूर दूर तक मशहूर है यहाँ के मोतियों के जेवर और चूड़ियों की सजी धजी दुकानें पुराना हैदराबाद बोलचाल और रहन सहन में लखनऊ का भाई लगता है यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय तेलुगु बोलता है और अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुस्तानी आखिर दक्कनी हिंदी का जन्मस्थल हैदराबाद ही तो है यहाँ हिंदू मुस्लिम और आर्य द्रविड़ संस्कृतियों का संगम होता है यही संगम आज मध्ययुगीन हैदराबाद और आधुनिक प्रौद्योगिकी के बीच हो रहा है हाइबरटेक और साइबर स्पेस की आधुनिक इमारतों के बीच चल रही है सूचना क्रांति यहां नए युग के नए सपने बुने जा रहे हैं नई सदी के सफर का फसाना लिखा जा रहा है पर हैदराबाद के सुंदर रूप में कहीं कुछ असुंदर भी है सभ्यता और संस्कृति के इन विकास मीनारों के बीच कुछ दरारें और खाइयां भी हैं। चार मीनार से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है बट्टापल्ली स्लम बस्ती हैदराबाद और गुलबर्गा के गांव से आकर यहां बसे हैं ये लोग यहां मकान तो हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसके बावजूद चल रहा है यहाँ एक सतत शिक्षा केंद्र इस केंद्र के मार्फत शिक्षा नए रूप में पहुंच रही है यहाँ इस केंद्र की प्रेरक है बीबी जैनाब सतत शिक्षा के साथ ये कैसे जुड़ी हाँ मेरे एक सहेली थे वो उन्होंने बोले कैसा कलेक्टर ऑफिस के थ्रू ऐसा नौकरियाँ मिल रही बोल के बोले थे तो मैं बोली चलो मैं भी चलती हूँ तो जब हमारे घर में इजाजत नहीं दी ऐसा जाने की मैं चोरी से गई जाके फिर वहाँ पर नाम लिखे तो फिर विजय प्रकाश सुपरवाइजर थे उनके जरिए मिली वो सहेली तो चले गए नौकरी रह गई इन्होंने मेहनत से जो शिक्षा पाई है वो इनके आगे के जीवन को आसान बनाती है हमारे माँ बाप नहीं चाह रहे पढ़ाना इतना आगे क्या करते आगे पढ़ के कोई भी नहीं पढ़े मैंने पढ़ा हुआ हूँ तुम्हारी अम्मा ने पढ़े हुए हैं तुम क्या करते आगे पढ़ के मैं बोली नहीं अब जमाने को देख रहे टीवी में देख रहे हैं बहुत सारे पढ़े लिखे आगे बढ़े हुए हैं तो बस मैं भी पढ़ी बीबी जैनाब ने पढ़ लिख कर ये जाना कि शिक्षा कितनी संभावनाओं के द्वार खोलती है तो यहाँ आए तो तकरीबन लोग पढ़े लिखे नहीं है तो मैं बोली मैं जितनी मुश्किल से जितनी परेशानी से पढ़ी हूँ तो यहाँ के भी लोगों को पढ़ाई बताना है तो पढ़ने से क्या है अपने को बहुत सारे मालूम हो जाते हैं उन लोगों को भी मालूम हो जाते हैं यहाँ के हालात अच्छे हो जाते सुधर सकते बोल के तो पढ़ाई से ही मालूम होगा ना ये चीज़ें तो मैं क्या कह रही उन लोगों के घरों को गई जाके बोली के देखो आप लोग अगर हमारे पास आके पढ़े अगर तो आप लोग अच्छी बातें मालूम कर सकते मगर वो बाज लोग तो ऐसे थे हटा देते थे क्या 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 पढ़ाई लगा रहे हमारे सामने हमने पढ़ते जा हम ना पहले मेहनत करेंगे पढ़ने को आएंगे पढ़ के हमको क्या करने का है कौन सा कलेक्टर बनना है हम लोगों को मिनिस्टर बनना है ऐसे करें तो मैं बोली देखो आप बसों को जाते बसों का नंबर नहीं मालूम रहता लोगों से पूछते ये देखो ये बस नंबर क्या है सब पूछते बाहर शहर के चिट्ठियाँ आते पढ़ नहीं सकते लोगों से पढ़ाते तो ये बोली मैं तो वो लोग क्या करें मालूम है थोड़े लोग पर अच्छे भी थे उन लोग क्या करें मालूम है सुन लिए बारे में सुन के बोले कि अच्छी बात है हम आना कब आना बोले तो मैं बोली आपके टाइमिंग जो रहते ना आप निकाल के आओ आपको यकीन नहीं आएगा पहले तो पहले दिन 40 लोग आए थे फिर बाद में 8 आए फिर उसके बाद इतने आ गए करीब करीब 80-90 के करीब आ रहे थे तो बैठने जगह नहीं थी बाहर बिठा देते पानी के दिनों में तो पढ़ाई नहीं जैसा हो जाता था फिर उसके बाद कम कम होते होते 40-45 अब तो 30 भी नहीं आते बराबर पहले तो छोटे छोटे किताबें देंगे पढ़ने के लिए रोज 1 घंटा आके पढ़ो फिर उसके बाद में अखबार भी रोज आके पढ़ सकते हो शुरू में दिए भी 2-3 महीने तक दिए अच्छा आदत हो गई पढ़ना आ गया सब मालूम हो गया अच्छा पढ़ने लिखना आ गया इनका बहुत हेल्प रहा टीचर का उसके बाद खत्म क्या हो गया
ये अखबार भी आना मुश्किल से रहा। फरवरी तक का 300 रुपये दिए हम लोगों को और अखबार का पैसा भी आ रहा था। अब तो क्या हो रहा, फरवरी से नहीं आ रहा तो औरतें नहीं आ रही। क्या है आप कहने, जाना खाली मंतक माना बैठना आना, तो ऐसा बोले तो हम लोग क्या करें। वो छोटे स्मॉल स्कीम्स में से थोड़े पैसे उसमें से निकाल के हम अखबार ले रहे हैं समझिए। तो वही अखबार पढ़ाते और किताबें, पुराने किताबें उठा के लेके आके किताबें पढ़ाते। अखबार पढ़ने और किताबें पढ़ने से फर्क पड़ा है, भले ही ये पुरानी हो, लोग जमहूरियत से वाकिफ हुए हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान और उत्तर साक्षरता अभियान से छूट जाने के बावजूद सतत साक्षरता कार्यक्रम से फातिमा नगर की महिलाओं को बहुत लाभ हुआ है। शिक्षा मनुष्य को अपने और अपने परिवेश से जोड़ती है, इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं जगाती है, उसे पाने का तरीका बताती है। इसी मकसद से चल रहा है ये सतत शिक्षा केंद्र। क्या है अब ये मालूम तो हो रहा ना, अखबार पढ़ने से इतना तो मालूम हो रहा, अब क्या हो रहा, औरतों के ऊपर क्या जुल्म हो रहा सो मालूम हो रहा। सतत शिक्षा केंद्र में आने जाने से मानसिक बाधाएं टूटी हैं। लोगों ने ये कहना छोड़ दिया है कि पढ़ लिख कर क्या होगा। उन्हें लगने लगा है कि पढ़ाई जरूरी है और इससे कुछ हो सकता है, इससे जीवन बेहतर हो सकता है। इसकी बात होगी कि हम अनपढ़ नहीं है, हमारे अंदर भी कुछ है, हम भी पढ़ सकते, हम भी कुछ कर सकते बोल के ये बात तो मालूम है। बीवी जैनब के लिए शिक्षा के अनेक आयाम हैं। अगर मेरे मैं खुद पढ़ी भी रहूंगी, अगर मैं चार लोगों को मैं पैसा लेके पढ़ाऊंगी अगर, तो मेरे का तो पैसा रहेगा इतना तो रहेगा और मेरे को मालूम तो रहेंगे कि किससे क्या चीज हासिल होने वाली है, पढ़े से तो इतना फायदा होगा मेरे को। ये सोच मेरे को नहीं है ऐसा कि शादी नहीं होंगी, बल्कि नहीं भी होंगी अगर तो मैं अकेली जिंदगी गुजारूंगी, शादी की जरूरत भी नहीं है मेरे को। मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना पैर पे अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। अब हाजरा बीवी को ही देखिए, दो बच्चों की माँ है। 2 साल पहले पति सऊदी अरब चले गए, पर उनका खताया न पैसा। ऐसे में हाजरा बी के लिए सतत शिक्षा केंद्र सहारा बना। अब उनका अगरबत्ती का काम चल निकला है और वे बच्चों को पाल लेती हैं। हफ्ते में 80 रुपए, कभी 60 रुपए, कभी 90 रुपए, अच्छा काम हुआ तो ऐसा मिलता है। अच्छा बनाए तो 80 रुपए 90 रुपए मिलती है 8 दिन में। पढ़ने का अच्छा है, कैसा है देखेंगे, बोल को पढ़ रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है पढ़ना। ये औपचारिक विद्यालय नहीं है, इसीलिए यहाँ महिलाएं जब पढ़ने आती हैं तो अपना काम भी साथ ले आती हैं। अगरबत्ती बनाने, सिलाई करने, कढ़ाई करने और सेफ्टी पिन बनाने का काम कई औरतें पहले भी करती रही हैं। इस केंद्र में आकर उन्होंने और लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है और रोजगार संबंधी कौशल भी सिखाया है। यहाँ आने से इनको साक्षरता तो मिली ही, इनके काम को अच्छा दाम मिलने की आशा बंधी है। ये केंद्र और समुदाय का दो तरफा रिश्ता है। पढ़ाई के सिवा और देखे यहाँ पे दूसरे महिला भी आते हैं, वो लोग कुछ काम करते तो उनको देख के हमारे को भी ऐसा हुआ कि हम भी घर में कुछ काम कर लें, थोड़ा कुछ दिन में एक 10-15 रुपए का भी काम हो गया तो ठीक है। पढ़ने लिखने की रुचि जगाने के बाद सबसे कठिन होता है उसे चलाए रखना। कहाँ से किताबें आए, कहाँ से अखबार आए और कैसे इस सामग्री की नवीनता बनाए रखी जाए। नवीन सामग्री के बिना लोग पढ़ने की रुचि लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकते, आखिर वही पुरानी किताबें कब तक दोहराएंगे। पर इन केंद्रों के लिए इन तमाम चीजों का हासिल कर पाना आसान नहीं है। लेक्चर ऑफिस गए तो हमारे को ये बोले कि किताबें मिलेंगे उन लोगों को पढ़ने के लिए, और जब उन्हें पढ़ेंगे अगर तो कापियाँ किताबें सब देंगे और उनको लोन देंगे, अगर उन्हें पढ़े तो लोग एक सर्टिफिकेट देंगे, जहाँ कहीं पर भी मदद मिलेंगी वो सर्टिफिकेट से बोल के बोले। मगर सर्टिफिकेट तो नहीं मिला अब तक, ना ही कुछ मदद मिली हमारे को कि ऐसा देते बोले किताबें कापियाँ भी। वो थोड़े दिन दिए, एक महीने में खत्म हो गए वो खिस्सा, कापियाँ भर गए, वो किताब पेंसिल घसे गया पूरा। दिक्कतों के बावजूद राज्य संसाधन केंद्र किताबें तैयार करने में लगा है, पर नव साक्षरों के लिए किताबें तैयार करना काफी कठिन काम है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित साक्षरता भवन में चलता है राज्य संसाधन केंद्र और यही किताबों की योजनाएं बनती हैं। वी डेवलप बुक्स विद सिंपल लैंग्वेज। हम लोगों ने साधारण भाषा में किताबें लिखी हैं, जिसमें कम शब्द हैं और उच्चारण की कठिनाइयां भी नहीं हैं। लोगों की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखकर हमने तैयारी की है। वास्तविकता ये है कि जो किताबें हमारे लिए रुचिकर हैं, वह नवसाक्षरों के लिए रुचिकर नहीं है। उनकी रुचि कुछ दूसरी चीजों में हो सकती है, मसलन आय वृद्धि, लोन प्राप्त करने के तरीके या व्यावसायिक कौशल आदि।
यदि कोई किसान है तो वह अच्छे बीजों के बारे में जानना चाहेगा या खेती में क्या सावधानियां बरती जाएं आदि। जहां तक महिलाओं का सवाल है, वे भी कुछ विशेष जानकारी चाहती हैं। इसलिए हमने किताबें विकसित करते समय उनकी जरूरतों और रुचियों को ध्यान में रखा है। सतत शिक्षा के बड़े प्रयोग को दिशा देने के लिए बना था राज्य संसाधन केंद्र, पर आज वो खुद ही भटक गया है। जिस दृष्टि और सामर्थ्य की जरूरत थी वो नजर नहीं आती। यहाँ हर एक जगह की अपनी बोली है। यहाँ तक कि एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से लिखा और बोला जाता है। मुझे याद है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान हम लोगों को बर्तन का चित्र दिखाकर उसके बारे में पूछते थे कि ये किसका चित्र है, तो वे उसे अलग अलग नाम से संबोधित करते थे। शब्दों के इस बदलते रूप के बारे में हमने जिला स्तर पर काफी सावधानी बरती है और कुछ संशोधन भी किए हैं। इस तरह राज्य संसाधन केंद्र की भूमिका काफी हद तक घट गई है। We have been acutely conscious of this at the district level, and I know most districts have made modifications in this, and that's why the SRC's role has been slightly reduced here. यह है रविंद्रनगर कॉलोनी। यहाँ लंबाड़ा आदिवासी बसते हैं। ये आदिवासी अब जंगल और गांवों में नहीं, शहरों में बसने लगे हैं। रोजगार की तलाश में वे 25 साल पहले महबूबनगर से यहाँ आकर बसे थे। अब सरकार का ध्यान उनकी शिक्षा की तरफ गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की साइबर सिटी में निरक्षरता के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए रविंद्रनगर और ऐसी ही अन्य जगहों के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिनका नाम है अक्षर संक्रांति। सिर्फ 100 दिनों में साक्षर बनाने का दावा करता है ये कार्यक्रम। ये कार्यक्रम 2 अक्टूबर से शुरू हुआ और इसे 14 जनवरी तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। है तो ये सतत शिक्षा कार्यक्रम का ही हिस्सा, पर मुख्यमंत्री के आदेश पर इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। महिलाओं पर ही आधारित है आंध्र प्रदेश के ज्यादातर सतत शिक्षा केंद्र। हर एक केंद्र पर यह शिक्षा तो पाती ही है और साथ ही आमदनी बढ़ाने का जरिया भी तलाशती हैं। डिटर्जेंट बनाती हैं, सिलाई करती हैं, अगरबत्ती बनाती हैं। इससे जो मिलता है उसमें से 1 रुपया रोज सेल्फ हेल्प ग्रुप में जमा करती हैं। ये उनका अपना पैसा होता है। इसमें से 6 महीने बाद 1% ब्याज पर वो कर्ज ले सकती हैं। सतत शिक्षा के इस कार्यक्रम से जन शिक्षण संस्थान भी जुड़ा है। ये एक गैर सरकारी संस्था है जो लोगों के कौशल का विकास करती है, कई तरह के व्यवसायिक प्रशिक्षण देती है। इससे सतत शिक्षा कार्यक्रम को बल मिला है। इसका पढ़ाई लिखाई के अलावा दूसरा पक्ष मजबूत हुआ है। साक्षरता समिति लुक्स आफ्टर द कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर। जिला साक्षरता समिति सतत शिक्षा की देखरेख करती है, जिसके मुख्य 4 उद्देश्य हैं: जीवन स्तर में सुधार, व्यक्तिगत रुचि विकास, समतुल्यता कार्यक्रम और आय वृद्धि। जन शिक्षण संस्थान सफलतापूर्वक गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए आय वृद्धि कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। यह महिलाओं, नवसाक्षरों, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, बेरोजगार युवकों में स्वरोजगार की भावना विकसित कर रहा है। ये सभी लोग आर्थिक विकास चाहते हैं, वे अपना काम खुद शुरू कर सकें और उनकी आय बढ़े, इसके लिए वे जन शिक्षण संस्थान पर निर्भर हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जन शिक्षण संस्थान आय वृद्धि कार्यक्रम के प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। लिंक्ड विद द इनकम जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम व्हिच इज वन ऑफ द 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कीम कंटिन्यूइंग एजुकेशन सेंटर। टाटाचारी कॉलोनी में यह सतत शिक्षा कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये संस्थान महिलाओं को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि उन्हें रोजगार के अवसर मिले, जैसे कपड़ों पर कढ़ाई करना, पेंटिंग करना, ये सब यही लोग सिखाते हैं। महिलाएं सामान तैयार कर बाजार में बेचती हैं, घर घर फेरी भी लगाती हैं। संस्थान इस काम में भी उनकी मदद करता है। ये सब करने के बाद हम लोग शॉप में ले जाकर बेच सकते हैं। जो छोटे छोटे चीजें हैं, एक एक के ऊपर 50 रुपए और साड़ी के ऊपर 200 रुपए का मुनाफा होता है। इससे हमें बहुत लाभ है। सतत शिक्षा कार्यक्रम से पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को बहुत लाभ हुआ है। जो हथकरघा है उससे हाथ का काम आ जाएगा।
घर पे बैठकर काम करने से संतुष्टि होगी। अपने पैरों पर आप खड़े हो सकते हैं, इसका औरतों के लिए काफी महत्व है। दीन वल्ल స్త్రీల గురించి చాలా ప్రాముఖ్యతగా చెప్పుకుంటారు. హైదరాబాద్ సే సిర్ఫ్ 11 కిలోమీటర్ దూర్ హై గోల్కొండ. కులీ కుతుబ్ షాహ్ నే ఇసే 1590 మే బసాయా థా. బాద్ మే హిందూ రాజా భీ ఇస్ పర్ కాబిజ్ రహే. ఇతిహాస్ కే స్మృతియో కే రూప్ మే యే ఖండర్ ఆజ్ భీ యహాన్ మౌజూద్ హై. ఇసిలియే లోగ్ खींचे चले आते हैं। यहाँ के स्लम क्षेत्र बेगमपेट में भी जन शिक्षण संस्थान अपना केंद्र चला रहा है। यहाँ पढ़ाई लिखाई को मनोरंजन से जोड़ दिया गया है। सामाजिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी चलती हैं। बस यही सब कौतूहल महिलाओं को खींच लाता है। इस केंद्र की प्रेरक हैं समाज सेविका कविता राव। वे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बड़ी भूमिकाएं देखती हैं। वे मानती हैं इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आखिर बुरे वक्त में पैसा ही तो काम आता है। यह पैसा उनकी जरूरत के समय काम आता है। जैसे किसी के यहाँ शादी हो या व्यवसाय के लिए किसी को पैसे की जरूरत हो तो उन्हें अब परेशान नहीं होना पड़ता है। हम उन्हें 1500 रुपए 1% ब्याज पर दे देते हैं। 1500 या 2000 रुपए वे एक साथ ना तो इकट्ठा कर पाते हैं और ना ही किसी से उधार ले सकते हैं। इस समूह के माध्यम से वे उधार ले सकते हैं और कोई मशीन आदि खरीदकर अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने से लोग जुड़े हैं। पैसा कमाते और बचाते हुए पढ़ना लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन पैसा जहाँ आता है वहाँ कुछ गड़बड़ी भी होती है। शुरू में लेन देन को लेकर इस समूह में भी कुछ गड़बड़ियां हुई, लेकिन बाद में दिक्कतें दूर हो गईं, समूह बढ़ने लगा। Now we are having here 10 groups. अब हमारे यहाँ 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। प्रत्येक समूह में 15 से 30 तक सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य प्रति माह 30 रुपए जमा करता है। इस पैसे से दो सदस्यों के नाम से बैंक का अकाउंट खुलता है। एक अध्यक्ष होता है और एक सचिव। इनका चयन समूह के सदस्य करते हैं। पूरे पैसे का हिसाब इन्हीं दोनों सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। मींस वन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सो दे विल डू द ऑल बैंक अकाउंट्स एंड ऑल डिटेल्स दे विल डू। सेल्फ हेल्प ग्रुप एज़ आई मेंशनड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस व्हिच वाज इनिशिएटेड थ्रू द IRDP प्रोग्राम। It's not even an initiation. It's a sort of an institutionalization of a process that was already in place. The largest number of self-help groups in Andhra. जैसा कि मैंने कहा, स्वयं सहायता समूहों का गठन एक अलग प्रक्रिया है। स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश में खासतौर पर गांव में बचत करने की प्रवृत्ति चली आ रही है और महिलाएं इस बचत का संचालन बेहतर तरीके से करती आई हैं। इसलिए हमने सोचा कि समझदारी इसी में होगी कि महिला बचत समूहों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में विकसित किया जाए। कुछ इलाकों में इनका विकास बहुत तेजी से हुआ है और अनेक क्षेत्रों में ये समूह प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। सतत शिक्षा कार्यक्रमों और अक्षर संक्रांति से हैदराबाद के कई इलाकों में लोगों को लाभ हुआ है, पर ये लाभ एक तरफा नहीं चल सकता। शुरू में जो स्वयंसेवी सामाजिक कार्य की भावना से जुड़ते हैं वे बाद में हटने लगते हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में उनके लिए 300 रुपए महीना मानदेय का बंदोबस्त किया गया है। कुछ और जिलों में ये राशि अधिक भी है। मदद देने के कुछ अन्य तरीके भी अपनाए गए हैं। ऐसा ही एक इलाका है रायतू बाजार। रायतू जो फार्मर रहता है वो फार्मर के लिए उनको मीडिएटर नहीं रहना, उन्हों जो लाते हैं वो मटेरियल उनके हाथ से बिकाने के लिए ये बाजार लगाया। इसमें जो रायतू नहीं ला सकते वो आइटम्स बेचने के लिए हमारे पास लिटरेसी प्रोग्राम में जो भी वॉलेंटियर अच्छा काम करते उन लोगों को हम यहाँ चांस दिए। उन लोग ऐसा दाल जो भी तेल ऐसा आइटम्स यहाँ बेच रहे, उसी के साथ
अभी रायत बाजार में 4 वैकेंसी है सुपरवाइजर के, 1000-1000 रुपए कंसल्टेंट सैलरी, वो भी हमारा पास लिटरेसी में काम करे सो बेस्ट वॉलंटियर्स को दिए, ऐसा हम लोग उन लोगों को इंसेंटिव दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ उन लोगों को इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। रायतू बाजार में स्वयं सेवकों को कुछ दुकानें दी गई हैं, यहाँ वे सीधे अपना माल बेचते हैं, इनके और खरीदार के दरमियान कोई बिचौलिया नहीं होता। मुख्यमंत्री ने हम लोगों को ये दुकान देने का निश्चय किया और वरिष्ठ अधिकारियों ने हमारा चयन किया। हमें 1,00,000 रुपयों का लोन रायतू बाजार स्कीम के अंतर्गत मिला, जिसमें कि CMEY के अंतर्गत सबसे अच्छे स्वयं सेवकों को ये सुविधा दी गई। हालांकि जॉइंट कलेक्टर ने इंटरव्यू भी लिया था, हमारे पास ये स्टॉल 2.5 साल से है और हमें बहुत फायदा है और हम लोग आपस में मिलकर इसका संचालन कर रहे हैं। Very good benefit in this, and we are maintaining also very good. We all are 5 members together and maintaining in alternate days. सतत शिक्षा कार्यक्रम से कुछ लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अक्षर के रूप में रंग और स्वाद को समझने के बाद इन लोगों को जैसे जादू की छड़ी मिल गई है। ये रहस्य के ऐसे कई ताले खोल सकते हैं जो उन्हें पहले निराश करते थे। जीवन के सामान्य व्यापार में अब ये कम मात खाते हैं। कुछ कमाई बढ़ी है और कुछ जीवन सुरक्षित हुआ है, पर क्या साक्षरता अभियान का मकसद कमाई बढ़ाना था? रोजगार और व्यवसायिक शिक्षा पर जोर देकर साक्षरता अभियान कहीं भटक तो नहीं गया है? हम सतत शिक्षा केंद्रों को इस तरह विकसित करना चाहते थे कि यहाँ लोग बैठकर अपने ज्ञान एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें तथा अपने वातावरण के प्रति और सजग हो सकें। सतत शिक्षा केंद्रों का उद्देश्य आय वृद्धि या कौशल विकास कार्यक्रम चलाना नहीं था, बहुत से और मुद्दे थे जिन्हें सतत शिक्षा केंद्र के माध्यम से पूर्ण करना था। पढ़ना लिखना, विचारों का आदान प्रदान करना तथा समकालीन विषयों पर चर्चा करना, ये सभी सतत शिक्षा केंद्र के प्रमुख अंग हैं जिनका विकास करना होगा। अगर साक्षरता अभियान अपने लक्ष्यों को छोड़कर दूसरे कार्यक्रमों का लक्ष्य उठाएगा तो क्या कामयाब हो सकेगा? हमने साक्षरता कार्यक्रम लोगों को सक्षम और सबल बनाने के लिए चलाया है और इसका हर किसी को अधिकार है, ये उनके लिए एक अवसर है। जैसा कि किसी ने ठीक ही कहा है कि साक्षरता गरीबी दूर नहीं कर सकती, लेकिन गरीबी से लड़ना जरूर सिखा सकती है। साक्षरता आपके निश्चय को दृढ़ करती है तथा आपको अपनी विपरीत परिस्थितियों को समझने और उनसे निपटने का तरीका बताती है। साक्षरता के लिए होनी चाहिए, ना कि आमदनी बढ़ाने और आर्थिक विकास के लिए। साक्षरता के साथ हमने बहुत सारे मुद्दों को जोड़ दिया है और मैं समझता हूँ कि राज्य संसाधन केंद्र को इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से चलाना चाहिए। हम लोग इस कार्यक्रम में काफी सुधार लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक और सवाल बच्चों का है, देखना है कि माँ बाप को पढ़ाने में कहीं बच्चे तो पीछे नहीं छूटते जा रहे। उम्मीद ये थी कि माँ बाप को पढ़ाने से बच्चों का भविष्य सुधरेगा, पर नतीजा उल्टा हो रहा है। दो पीढ़ियों की खींचतान में शिक्षा की चादर बच्चों के हिस्से में कम आ रही है। Today you'll find practically every slum in हम पाते हैं कि शहर के प्रत्येक स्लम में बाल ज्योति द्वारा कम से कम एक स्कूल चलाया जा रहा है। वास्तव में हम प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी इसी सामुदायिक भागीदारी के आधार पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पुराने शहर में स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने में अभी समस्या आ रही है। The biggest problem has been to get the schools run a little more efficient. We have a fairly massive program of improving स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चला रहे हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत इसे चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम 19 जिलों में चल रहा है, परंतु एक बार फिर मुद्दा ये नहीं है कि सतत शिक्षा केंद्र कैसे चल रहा है,
या संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम कैसे चल रहा है। आज भी सच्चाई यही है कि अनपढ़ माँ बाप के बच्चे ही स्कूल से बाहर हैं और इस सच्चाई को हम छुपाना नहीं चाहते। यदि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आज भी अनेक प्रौढ़ निरक्षर हैं। पांच साल के सरकारी अनुदान के ईंधन से सतत शिक्षा कार्यक्रम की गाड़ी ज्यादा दूर नहीं जाएगी। अगर उसे लगातार चलते रहना है तो अपना वैकल्पिक इंतजाम करना होगा। कॉर्पस फंड के रूप में वो इंतजाम हो भी रहा है, लेकिन तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी और ज्ञान विज्ञान के साथ एक काम चलाऊ व्यवस्था का लंबे समय तक चल पाना संभव नहीं है। उसे समय के साथ अपने आप को बदलना होगा। आखिर में सबको समान शिक्षा देने का महान लक्ष्य याद रखना होगा। Hello।